अस्सलाम वालेकुम जी, विलेज लाइफ इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक वीडियो मैंने लगाई थी कि मुर्गियों को लकवा हो जाए तो उसका क्या इलाज है। सारे मैंने डिटेल बताई थी, दवाई शवाई दी थी, ठीक है। वो ये मुर्गी मेरे सामने है, ठीक है जी। ये लकवे वाली देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुद खा पी रही है, चल फिर रही है, ठीक है। इसकी तो गर्दन बिल्कुल मुड़ जाती थी, ठीक है। ऐसे लगता था कि बीमार है, मर जाएगी। मुझे तो घर वाले ने बोला है छुरी फेर दो इसे। मैंने कहा नहीं, छुरी मतलब छुरी फेरने से मैं फेर सकता था छुरी। जहरी बात, आप जिसने बिजनेस करना है वो रिसर्च तो करेगा ना, क्यों लकवा आता है, किस वजह से आता है, इसका हल भी निकालना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको सर्दी लग गई थी, ये जा रही है मुर्गी, ये ठीक है जी। इसको सर्दी लग गई थी मुर्गी को, तो इस वजह से ना लकवा हो गया ऐसे। इसका फिर मैंने अलग से ट्रीटमेंट किया है इसको, मतलब कि ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर इसको सर्दी ना लगे। तो जो वीडियो मैंने बनाई थी ना पहले, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है, मुर्गी खा पी रही है, सही है जी। तो इसको मैंने क्या मेडिसिन दी है, क्या इसका इलाज किया है, वो सब अवेलेबल है इसमें वीडियो में, जो मैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुर्गियाँ हेल्थी एक्टिव हैं, ठीक है जी। आप सब भाई भी कोशिश किया करें, मतलब अगर कोई आपकी बीमार हो जाती है ना मुर्गी, घबराया नहीं करें, ठीक है जी। कोशिश यही किया करें कि उस पर रिसर्च करें, देखें कि मुर्गी को बचाना कैसे है, ठीक है। आप अगर मुर्गी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, कल को आप अच्छे लेवल पे मतलब बड़ी फार्मिंग करेंगे, तो आपको पता होगा भाई इस चीज़ का, ये बीमारी का हल है, वो आप इजीली आपको पता होगा, ठीक है जी। मैंने भी इसलिए इस पे रिसर्च की है, थोड़ी चेक की है क्या देना चाहिए इसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गई है मुझे हासिल, ठीक है जी। और इतना बहुत लंबा ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका, ठीक है जी। मैंने बीच में इसको दवाई दी है, बीच के में दी ही नहीं ऐसे दवाई, ठीक है जी, जो लकवे वाली मुर्गी थी, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है जी। बाकी वो वैक्सीनेशन होती है जो इनको करनी पड़ती है, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। तो मजीद कोशिश यही किया करें कि बीमारी अगर आ भी जाती है तो उस पर थोड़ा वर्क कर लिया करें, आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आपको पता होगा भाई मेरे अगर लॉ चीज़ में इधर शेड में बीमारी आती है तो उसको मैंने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है जी। काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो मजीद किसी भाई को फिर भी मतलब कि वीडियो का लिंक नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दीजिएगी। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।